तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर ऐश, जहाँ पे पिछली बार हम मेकान आइलैंड से आ चुके थे टेंगेलो आइलैंड पे, और यहाँ हमने अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लोर किया था। हमें मिला था लैप्रेस, लैप्रेस ने कर ली थी हमारी टीम ज्वाइन। तो आज हम इस वीडियो में अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं और अपना पहला जिम बैटल करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पिछली वीडियो में लैप्रेस ने हमारी टीम ज्वाइन की थी लेवल 40 का, और हमें एक और चीज़ मिला था TM133 सर्फ। तो सबसे पहले सिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ब्लास्टोइस को सिखा दूं या फिर मैं लैप्रेस को सिखा दूं। तो देखते हैं, यही था सर्फ, TM133 सर्फ। तो सिखाना तो है ही, देखते हैं अभी किसको सिखाएं। आई थिंक ब्लास्टोइस या लैप्रेस, लैप्रेस को ही सिखाते हैं, क्योंकि ब्लास्टोइस के पास बढ़िया बढ़िया मूव हैं, लैप्रेस के पास कुछ ऐसे मूव हैं जो मुझे नहीं रखने हैं। तो लैप्रेस को ही सिखाते हैं। जैसे कि पिर्जियन सॉन्ग क्या करता है, एनी पोकेमॉन दैट हियर्स दिस सॉन्ग फेंट्स इन 3 turns। नहीं, हम लोग के पास इतनी ताकत है कि हम लोग हरा सके। तो पिर्जियन सॉन्ग हम लोग, पिरिश सॉन्ग हम लोग हटाने वाले हैं। तो लैप्रेस ने सर्फ सीख लिया है, तो अब आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ कोई भी जिम या कुछ ऐसा नहीं था। तो हम लोग वापस जाने वाले हैं मेकान आइलैंड, क्योंकि वहाँ पे जब जिम में जा रहे थे तो उस पे लिखा था कि वेट फॉर योर टर्न। मेरे ख्याल से अभी तक तो हो जाना चाहिए, अपने पोकेमॉन हील भी हैं। यस, अपने पोकेमॉन हील हैं। तो चलते हैं। यस गाइस, तो जिम है। तो जल्दी से चलते हैं और अपना पहला ऑरेंज आइलैंड जिम बैच जीतते हैं। तो लेट्स गो। ओके, यहाँ तो बहुत सारे ट्रेनर लगना है, तो हमें सबको हराना है। हम किसी को भी स्किप नहीं करेंगे, मतलब कि वहाँ तक। ओके, ओ भाई क्या हाल चाल, लेट्स बैटल। ठीक है, देखते हैं इसका पहला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। स्विमर डे वुड लाइक टू बैटल वॉर टॉटल। ओके, पिकाचू तो सुपर इफेक्टिव है, एंड आई थिंक ये वन हिट में चला जाए। अरे यार, पिकाचू अपने ट्रेन नहीं है ना, अपना सबसे ज़्यादा ट्रेन पोकेमॉन चारिज़ार्ड है, बल्कि ऐश का पिकाचू सबसे ज़्यादा ट्रेन था। चलो, बहुत टोटल फेंट हो चुका है। सीड्रा नहीं, हम नहीं और किसी को सामान को नहीं, हम पिकाचू को अकेले कर रहे हैं। ओके, वन हिट, यही तो मैं चाहता था। तो पिकाचू अपना 44 का हो चुका है, और हमने हरा दिया है स्विमर डेव को। देखो, एक इधर से भी जा रहा है रास्ता, एक सीधे से भी जा रहा है, तो हम सीधे से चलते हैं। बाकी क्या, दोनों से बैटल करें तो सबसे पहले इससे बैटल करते हैं। डोंट लुक एट मी। वेपोरियन, थंडरबोल्ट शायद आधा तो डाउन कर देते हैं, आधा भी नहीं कर पाए। लास्ट रिजॉर्ट, भाई पैरालाइज तो हो गया, लेकिन इसके एक मूव से थोड़ा सा मैं पोकेमॉन चेंज कर लूँ क्या? आई थिंक आई शुड गो फॉर बल्बस, क्योंकि बल्बस और अपना सबसे कमज़ोर पोकेमॉन है 31st लेवल का। देखो, फेंट भी हो गया एक ही अटैक से। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ब्लास्टोइस को, फ्लैश कैनन, क्योंकि वाटर टाइप अटैक उतना काम नहीं करेगा। अरे यार, ये तो मेरे सही में मडी वाटर। ओके, देखते हैं एक्वाटेल। ओके, आई थिंक हमें पोकेमॉन चेंज कर लेना चाहिए। पिकाचू 4000 या 4000 पे लाना पड़ेगा, देखते हैं। डिसएडवांटेज है, लेकिन हमने 4051 का है, तो आई थिंक उतना ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
प्रेडिक्ट करते हैं एयर स्लैश। ओके फ्लिंच्ड हो गया है वेपोरियन। वेरी गुड, देखो चार हजार साठ है तो बढ़ने का बात, तो अपना 4052 को हो चुका है, हमने डिफीट कर दिया है इससे। ओके तो हम इसे भी डिफीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गोल्डक पिकाचू वैसे ही 19 लेवल का है। अरे यार स्लैम नहीं करना था भाई भाई। अभी लग रहा है कि हमें पोकेमॉन सेंटर जाना पड़ेगा यार हील कराने। एयर स्लैश, अरे वाह, मैं सोच रहा हूँ पिकाचू के 4000 को ही आगे रख दूँ। चार्जर्ड सीड नहीं यार, अभी तो फिलहाल सिर्फ 4000 ही होगा। अगर इस ट्रेनर को मैंने हरा दिया मैं जल्दी जाके पोकेमॉन हील करा दूँगा। और ओके डन, तो जल्दी चलते हैं पोकेमॉन सेंटर, वहाँ अपने पोकेमॉन हील कराते हैं फिर आते हैं डायरेक्ट जिम बैटल। तो जल्दी जल्दी चलते हैं पोकेमॉन सेंटर, कहाँ पे था यहाँ पे। ओके ये रहा पोकेमॉन सेंटर। जल्दी से हील करा लेते हैं पोकेमॉन सेंटर, जल्दी हो जाए हील। पिकाचू की जगह सबसे ज्यादा तो चार्जर्ड ने हमें जितवा दिया यार, वाह। सोच रहा हूँ चार्जर्ड को ही आगे रख दूँ पिकाचू की जगह, लेकिन नहीं है। वाटर टाइप जिम है, मुझे लगा था ये आइस, नहीं आइस टाइप है वाटर, एक मिनट देखते हैं। वाटर टाइप है द वाटर टाइप मास्टर, हाँ तभी मैं सोचूँ, मुझे लगा आइस टाइप है इसीलिए, लेकिन वाटर टाइप है। तो हमने सबको हरा दिया फिलहाल, अभी यही दोनों बच्चे हैं तो हरा दिया जाए। वैसे छोड़ने अच्छे लगे, हाँ हरा देते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई। बैटलिंग आर यू गुड इनफ, यस आई एम, तो इसे भी हरा देते हैं। तीन पोकेमोन है, ओके कोई भाई तो रेयर पोकेमोन है इसके पास, चलो मुझे उसके बाद। ओके वन इट डाउन, पिकाचू अपनी फॉर्म में वापस। किंगलर, मेरे ख्याल से किंगलर भी वन हिट डाउन चला गया, किंगलर चला गया। जा जा जा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके वन हिट डाउन। स्टार यू चुन रहा है, ये स्टार भी वन हिट डाउन, ओके वन हिट डाउन। तो हमने इसे भी हरा दिया है। नहीं नहीं, जब हम किसी जिम में जाते हैं तो हमें सारे ट्रेनर्स को हरा देना चाहिए ताकि हमारे पोकेमॉन को एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा ही फायदा है, हमारे पोकेमॉन को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो लास्ट बचा, उसके बाद डायरेक्ट जिम लीडर, क्योंकि मेरे पोकेमॉन की थोड़ी सी लेवल भी कम है। मेरा ये एम था कि 50-50 हो जाता ठीक रहता, लेकिन अभी पिकाचू 44 का है, 4050 आता। सबसे कम वो बल्बासॉर 31, उसके साथ तो जम कर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो पिकाचू अपना 45 एजिलिटी सीख रहा है, नहीं मुझे नहीं सिखाना है, नहीं यस ओके। पॉलीवर फाइटिंग वाटर टाइप पोकेमॉन है ना, पॉलीवर ओके सुपर, ओके वेरी गुड। पैरालाइज, बैले ड्रम, पता नहीं क्या है, स्पार्क, ओके। तो पॉलीवर भी फेंट हो चुका है, पॉलीवर्थ भाई साहब तीनों रूप रखा है, तीनों स्टेज ऑफ पॉलीवर्थ। डायनेमिक पंच, नाम से तो ऐसा लग रहा है ऐसे कि बस खत्म कर देगा, लेकिन फेल ओ भाई थोड़ी सी रह गई। ओके वेरी गुड,
तो इस पार्क से करते हैं इसको ख़त्म। तो पिकाचू को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल चुका है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट जिम लीडर की तरफ और जीतते हैं अपना पहला ऑरेंज आइलैंड बैच। तो लेट्स गो। सी ही देयर, आर यू रेडी टू बी डिमोलिश्ड बाय अ मेंबर ऑफ द ऑरेंज क्रू? यस। तो शायद हमें 3 पोकेमोन ले जाना है, तो सबसे पहले हम आगे रखेंगे पिकाचू को, फिर चारिज़ार्ड को, और आई थिंक हम 3 पोकेमोन नहीं रख सकते, सिर्फ दो ही है। तो कंफर्म करते हैं पिकाचू चारिज़ार्ड। सोच रहे होगा कि वाटर टाइप पोकेमोन खिलाफ चारिज़ार्ड क्यों, क्योंकि चारिज़ार्ड का एयर स्लैश बहुत मदद करता है। तो 2 पोकेमोन इसके पास, पहला पोकेमोन है सीड्रा। सीड्रा से 1 लेवल ज़्यादा है पिकाचू बस। ओके और भाई 1 HP कैसे बच जाती है लोगों की, और ओ डिस्चार्ज से ख़त्म। होप है ये कि पिकाचू ही दोनों पोकेमोन को हरा देगा, क्योंकि पिकाचू चलो 46 का हो गया है। ब्लास्ट ट्वाइस, अरे स्लैम भाई, भाई गलती से टैप हो गया, उसकी सजा भी करनी पड़ी। ओके चारिज़ार्ड तू ही कुछ कर सकता है। एयर स्लैश, अगर ये फ्लिंच्ड हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। ओ माय गॉड, सुपर इफेक्टिव। बच्चा यानी कि या तो ये मूव क्रिटिकल हिट हो जाए या तो ये फ्लिंच्ड हो जाए, वरना हम फ्लिंच्ड हो जाएंगे। यार वी लॉस। ओके यार कोई दिक्कत नहीं, वी कैन विन। हरा तो देना चाहिए था यार हमें, बट चारिज़ार्ड का असल में गलती कहाँ हुई कि पिकाचू से स्लैम हो गया, मेरी गलती थी, गलती से टैप हो गया स्लैम वाले पे, और इतना हमारा क्योंकि थंडर बोल्ट लग जाता और मानो पिकाचू फेंट भी जाता तो चारिज़ार्ड का यह स्लैश काम कर जाता। कोई नहीं, इस बार पक्का जीतेंगे। यस तो फिर से पिकाचू को फर्स्ट पे रखते हैं और चारिज़ार्ड ही जाएगा इस बार भी, तो सेम टीम के साथ हम लोग उतरेंगे। तो इस बार तो हराना है यार। ओके सीड्रा के जो ब्राइन अटैक है वो उसने दिमाग खराब कर दिया था। ओके इस बार 1 hit, वही जो मैं चाह रहा था, 1 hit वही है। हारना जीतने तो लगा रहता है यार, पहला राउंड हार गए तो क्या हुआ, दूसरा राउंड जीतेंगे ना। सुपर इफेक्टिव था हमारा थंडर बोल्ट। और ये पैरालाइज सबसे बड़ी बात लगती है कि पैरालाइज हो जाए अपोनेंट तो थोड़ा सा आसान हो जाता है रहना। चलो पिकाचू फेंट हो गया लेकिन 4000 संभाल लेगा। तो चारिज़ार्ड एयर स्लैश यूज कर भाई। तो हमने हरा दिया है जिम लीडर सेसी को। तो चलते हैं अभी, तो हमें मिला है कोरल आई बैच। तो हमें मिल चुका है कोरल आई बैच और हमें TM भी मिला है, रेन डांस। ओके तो TM कंटेन रेन डांस, मेक इट रेन फॉर अ फ्यू टर्न, बूस्टिंग द पावर ऑफ वाटर मूव। ओके तो हमने ऑरेंज आइलैंड के पहले जिम लीडर को हरा दिया और अपना पहला जिम बैच जीत लिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, हमें एक बार हारा था
तो अगर वो हार ना होती तो हम लोग पहली बार मिल जाते, लेकिन चलो कोई नहीं। तो गाइज यार आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।